अब ये देखिए कि मतलब जो सालक चल रही थी, सालक तो बेकार हो गई इस समय, तो फिलहाल आज ही कल का दिन और बढ़िया चलेगा नवरात्रा का, उसके बाद में वो ही बेकार हो जाएगा। नवरात्रों के बाद में कहानी बेकार हो जाएगी। तो नवरात्र में जिस तरह से आपके पहले फूल बिकते थे, क्या उसी तरह से इस नवरात्र में बिक रहे हैं? नहीं नहीं, इस समय तो कम चला है, पिछली बार से बहुत कम चला है, नवरात्रों में बहुत कम चला है। शादियों में तो अब क्या, आदमी जयमाल कहेगा, पहले तो ऑर्डर देता था अपना, बढ़िया बढ़िया जयमाल बनवाता था, ठीक है ना, गाड़ी का उसका सबका देता था, अब वो कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब 50 लोगों की परमिशन में, 60 लोगों की परमिशन में क्या करेगा आदमी, अपने घर ही घर में निपटा रहा है आदमी, और क्या करें, वरना जयमाल वगैरह इतनी बढ़िया बनती थी, कोई नहीं। अब जो ऑर्डर अभी तक मिले हैं सारे कैंसिल हो चुके हैं, लॉकडाउन के चक्कर में बोले कि मेरा डेट आगे बढ़ रही है, बरादर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए जो आगे बढ़ चुके हैं। फूलों की खेती में क्या, किसान लगवा रहे हैं, जो माल ज़्यादा निकलता था वो माल महंगा होकर बिक रहा है, और जो हम लोग को लेके ऐसे बैठे हुए सुबह शाम तक, भाई नवरात्र चक्कर में बैठना पड़ रहा है, बना तो इसको तो यह है कि लग रहा है कि अपने घर बैठे सुकून से वही बेहतर है। आपके फूल बिक नहीं पाते, फूल बिक नहीं पाते तो क्या? हाँ, फूल ये है कि रखे रहते हैं, बाकी पंखड़ी हो रही हैं, अब जहाँ बिकता था दिन भर में करीब 20-25 किलो, वहाँ बिक रहा है 5-6 किलो, तो इसमें क्या निकलेगा, माल वैसे ही महंगा चल रहा है। अब आजी का रेट इतना महंगा था तो अब बताइए, बैठना पड़ेगा मजबूरी में, कि नवरात्रि चक्कर में माला जा रही है, इसलिए परमानेंट बैठना है, परमानेंट देनी पड़ रही है माला। शादी हॉलों में डेकोरेशन वगैरह होती थी, उसे लेकर क्या? शादी हॉलों में डेकोरेशन होती थी, अब इसमें माल जो है अच्छा खासा निकल जाता था, जयमाल वगैरह गाड़ी वगैरह सस्ती थी, सभी चीज़ अच्छा खासा निकलता था, मगर अब आजकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंद जो ओपन है उसमें 100 लोग दिए हैं परमिशन, और जो बंद हैं उनमें 50 लोग की परमिशन दी है, इसलिए सब डाउन चल रहा है साला। बिल्कुल बाजार की पोजीशन बिल्कुल बेकार है सर, जो कुछ आ रहा है वो भी नहीं मिल रहा, और एक राख वही लौट जा रहे हैं, सुन सुन के जो आ रहे हैं वही चले जाते हैं, ले लेकर गुलाट का माल वापस ले जाते हैं, बिकता ही नहीं है, आता 10 का 5 का फूल ले जाता है, बाकी ले कर जाएगा। शादी का कुछ नहीं चल रहा, 4-5 लोग आ रहे हैं ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। डिपेंड इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, समझो जो जाता है लगकर सुनकर बढ़ जाता है। इस समय हालात बहुत बुरे हैं, इस समय जो समझ लो फूल जो हमारा बिक जाता था 10-10 पीस 25-25 किलो, इस समय 10 किलो बिकना मुश्किल हो रही है, और जो सालक जब बंद हो गई तो इसने और परेशानी हो रही है। हम आर्डर बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतवार का जो आर्डर जो ज़्यादातर आ रहे हैं, सालक इतवार की पड़ रही है, 2 तारीख है, 27 तारीख है, जो ऐसे वो हैं क्या कहते सालक के, उसमें क्या कहते हैं सब कैंसिल करनी पड़ रही है हमें, इसमें नुकसान बहुत हो रही है हमारा इस समय, कोई भी और कोई जरिया भी नहीं है हमारा, हमारा जरिया ही चाहिए कमाने का। हम लोगों के जो पहले से आर्डर लिखे हुए हैं वो सारे कैंसिल हो रहे हैं, जैसे अब जो 2 तारीख के 26 तारीख के आर्डर है, संडे का दिन पड़ रहा है, अब हम लोग वो आर्डर कैसे देंगे? और जो ऑर्डर पहले के लिखे हुए हैं शादियों के वो भी सारे कैंसिल हो रहे हैं, हम लोग तो सालक के ऊपर भी सारे डिपेंड करते हैं, और पैसे कौन कितने फूल ले जाता है, सिर्फ शादियों में ही तो ज़्यादातर चाहिए होते, पूजा पाठ में कितने 10-20-50 रुपए के फूल, और हमारा जो भी रोजी रोजगार चलता है वो शादियों के ऊपर ही चलता है सारा। इतना नुकसान में है कि कितना पेंडिंग देना है हम लोगों को, जो बच जाता है वो ख़राब होकर ही जाता है। अभी अभी करीब इसी 1.5 महीने में करीब करीब कुछ नहीं तो 25-26 हज़ार रुपये के नुकसान में ही है, फूल जो बच जाता है वो ख़राब ही होकर जाता है। सुधार आने की शुरुआत हुई, उम्मीद जागी थी एक, ये सालक आई अप्रैल में कि आर्डर बुकिंग होने लगे, अब वो सारे कैंसिल होने लगे, तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अरे नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। पहले दुकानदारी सही थी, 100-150 रुपए किलो गुलाब चलती थी, आज 10-20 रुपए भी पैदा करना मुश्किल बड़ी बात है। फूलों की बिक्री का या डायलॉग जहाँ में तो सब बेकार है, कोई बिक्री फिक्री आए चढ़ ही ना आ रहे हैं, जब कोरोना में तो कहाँ से यही बिक्री, सब बेकार है, मामले ऐसे बैठे तो बैठा ली, जहाँ में मौत है गरीब आदमी की और कहा है। अजी हाँ, शादी भी जो शादी की और बाकी सब बेकार मामला है, सब इतने तय करे हैं बारात घर और भी सब फेल रहे हैं, सब बेकार रह रहे हैं, बाजे बाजे बजेंगे ना, जहाँ में भीड़ इकट्ठी होगी तो फायदा कहाँ, नुकसान ही नुकसान है हर चीज़ में, ऐसे ही बैठे कहा भाई के 100-200 की दुकानदारी कर ली तो कर ली ना, बच्चों का
खान खर्चा भी बढ़िया ना निकल रहा है अभी तो, पर क्या है हमें बेकार है बिल्कुल मामला। अब सुबह के 5 बजे के बैठे हैं, आगे भी है समझो 200 रुपये की दुकानदारी ना करिए। पहले जो पीछे कोरोना चला था उसके बाद में लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़े बहुत सही आई, लेकिन अब जो करीब 15 दिन से फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप शादी के सीजन पे निर्भर रहते हैं? जब शादी चलेंगी तभी तो फूल का काम चलेगा, उसी पर निर्भर है। जब शादी ना होगी तो कहाँ से काम चलेगा इसलिए। नवरात्रि में कुछ ना है, आज देखो नवरात्रि है, आज आखिरी टाइम है, तब भी दुकानदारी नहीं है कोई भी, सब धरे पर आया ऐसी माल। नवरात्र में जो लॉकडाउन नहीं लगता और जो घर के कोरोना ना होता तो कम से कम मामूली होता 1000-1200 रुपये की एक आदमी दुकानदारी कर लेता, और अब नहीं हो रही है 200 रुपये की भी।